नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आज हम बात करेंगे माँ के सातवें स्वरूप कालरात्रि के विषय में। नवरात्रि में सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। आज जानिए माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करें, यानी माँ कालरात्रि की पूजा विधि, मंत्र, उन्हें क्या भोग लगाएं। हमारे साथ पूनम गुप्ता जी हैं जो हमें बताएंगी माँ की पूजा का क्या है विधान। बहुत स्वागत है पूनम जी आपका। तो सबसे पहले मंत्रोच्चारण हो जाए। बिल्कुल, माँ कालरात्रि के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्योत्सना जी, माँ का जो स्वरूप है, माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है, वो बहुत ही भयंकर और रौद्र है। परंतु ये स्वरूप असुरों और दानवों के लिए है। हम भक्तों के लिए जो माँ की आराधना करते हैं, जो माँ की पूजा करते हैं, उनके लिए माँ का जो स्वरूप है वो बहुत ही शुभ फलदायक है। इसलिए इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। माँ गर्धव पर विराजमान है, यानी गधे पर विराजमान है। माँ की सवारी है गधा। साथ ही साथ माँ को लाल रंग बहुत पसंद है। माँ की अगर पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें लाल पुष्प शामिल करें, लाल वस्त्र शामिल करें। ऐसे तो माँ को नीले रंग का भी वस्त्र चढ़ाया जाता है, परंतु अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप माँ को लाल रंग का वस्त्र भी चढ़ा सकती हैं। माँ को भोग में ज्योत्सना जी मध बहुत पसंद है। आप शहद का भोग माता रानी को लगाइए, माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं शहद के भोग से। और साथ ही साथ जो तंत्र विद्या, इन्हें तंत्र साधना की भी देवी माना जाता है। बिल्कुल, तो जिन्हें तंत्र साधना करनी होती है वो इनकी पूजा विशेष तौर से करते हैं ज्योत्सना जी। लेकिन हम भक्त जो सामान्य पूजा करते हैं माँ का, वो जैसे बाकी की देवियों की हम पूजा करते हैं, उसी तरह से माँ कालरात्रि की भी पूजा करेंगे। बिल्कुल, तो माँ की पूजा कैसे करेंगे ये बताया है पूनम जी ने। और आपको बता दें कि दैत्य शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवता शिवजी के पास गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि अपने मुख में भर ली और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्यम अर्पित किया जाता है और ब्राह्मण को उसे अर्पित कर दिया जाता है, यानी दे दिया जाता है। ऐसा करने से कहते हैं कि पुरुष जो है वो शोक मुक्त हो सकता है। तो पूनम जी, अगर हम बात करें कि पुरुष की, अगर हम बात करें कि शोक मुक्त, अगर घर का जो कर्ता धरता है वो पुरुष होता है, ऐसी मान्यता है। हालांकि अब ये मिथ हो गया है, अब तो महिलाएं भी समान रूप से भागीदारी उनकी रहती है। तो ये चूंकि उस वक्त का लिखा हुआ पुराण है जब महिलाएं घर का काम संभाला करती थी, लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो भी माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे, जो अपने घर को चलाते हैं, यानी जो मुखिया हैं घर के, उनको शक्ति प्रदान करती है माता। और माँ का जो रूप है, जैसा कि आपने बताया कि अत्यंत भयंकर है, लेकिन जो भक्तों के लिए उनका रूप है, उनका स्वरूप है, वो बहुत ही कोमल है। और माँ, चूँकि जब माँ कहते हैं ना जी, तो कोमल हृदय ही सामने आता है। ऐसे तो मैया का स्वरूप भयंकर है, पर वो शुभंकारी है, शुभ फलदायक है। ज्योत्सना जी, इनके गले में विद्युत की माला चमकती हुई, तेज माला इनके गले में विराजमान है। जी जी, माँ का स्वरूप बहुत कांतिमय और तेज है। परंतु उसके लिए है जो दुष्टों का संहार करने के लिए उनका स्वरूप इस तरह का है। परंतु हम भक्तों के लिए माँ बहुत ही करुणामयी और ममतामयी है। कहते हैं कि अगर आपका ग्रह खराब है, आपका कुंडली दोष चल रहा है, आप बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है, आपका ग्रह सही नहीं चल रहा है, तो आप माँ कालरात्रि की पूजा करें। और साथ ही साथ माँ कालरात्रि की पूजा करने से क्या होता है कि आपके सभी ग्रह जो हैं वो खराब चल रहे हैं वो सही हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं वो माँ कालरात्रि के अधीन है। माँ उसको अपने अधीन रखती, माँ का नियंत्रण है उस पर। इसलिए माँ की पूजा से रोग, जीव भय, जंतु भय, रोग, दुष्ट, दानव, भूत, प्रेत सभी चीजों से छुटकारा मिलती है। साथ ही साथ अगर आपका
क्या बोलते हैं, बिजनेस अगर ख़राब चल रहा है, आपके घर में अशांति है, आपके आपको निगेटिव एनर्जी अगर परेशान कर रही है, तो माँ का तो ऐसे भी तंत्र साधना की देवी कहा गया है। आप माँ की पूजा करें, इस मंत्र का जाप करें, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। आप इस मंत्र की आराधना करें, 108 बार जप करें। साथ ही साथ ज्योत्सना जी, अगर आप जप करते हैं इस मंत्र का, तो मंत्र अगर एक बार जप करें आप, तो उसमें एक लौंग माँ को अवश्य चढ़ाएं, एक मंत्र के साथ एक लौंग अवश्य चढ़ाएं, इससे आपके रोग भय दुख सभी चीज़ें दूर हो जाती हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि पूनम जी ने बताया आपको कि जब आप माँ की पूजा करें तो एक लौंग एक बार मंत्र का उच्चारण करें और एक लौंग माँ को समर्पित करें, और ऐसे करते हुए 108 लौंग माँ को समर्पित करें, इससे जितनी भी आपके समस्त जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो पूनम जी, चूँकि हमने बात की है कालरात्रि की, माँ की पूजा है, नवरात्र का समय है, तो एक भजन तो बनता ही है, भजन सुना दीजिए। माँ मुझे अपने आँचल में छुपा ले, सीने से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने तू गले से लगा ले, सीने से छुपा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगी कभी पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। छोटी सी भूल मेरी माफ़ करो माता, छोटी सी भूल मेरी माफ़ करो माता। फिर न सताऊंगी कभी वादा है ये माता, फिर न सताऊंगी कभी वादा है ये माता। तूने मुझे किया है माँ किसके हवाले, माँ किसके हवाले, मेरा यहाँ कोई नहीं। आ माँ मुझे अपने गले से लगा ले, आँचल में छुपा ले कि तेरे बिना कोई नहीं। बिल्कुल, तो कितना खूबसूरत देखिए ये भजन है, और ये माँ से ये गुहार की माँ मुझे गले से लगा ले, और जिसको माँ गले से लगा ले उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। कहते हैं कि माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है ना, वो अत्यंत भयंकर है, जैसा कि पूनम जी बता रही थी, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देता है, इस कारण इनका नाम शुभंकारी भी है। अतः इनके भक्तों को किसी भी प्रकार का भय या आतंक नहीं सताता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं, दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि जल जंतु शत्रु और रात्रि भय कभी नहीं होते, इनके कृपा से वो सर्वदा भय मुक्त हो जाता है। तो पूनम जी, जैसा कि आप बता रही थी कि अगर माँ की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो जिस भी तरह के भय आपके अंदर हैं वो दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, माँ के नाम से ही ब्रह्मांड के लोग कांपते हैं, माँ का स्वरूप ही ऐसा है। इनकी पूजा में कोई खास विधान नहीं है ज्योत्सना जी, आप मैया की पूजा में कोई दिखावा नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, आप बस मन से माँ की पूजा करें। पूजा इनकी दो तरह से होती है, एक तंत्र पूजा होती है, दूसरी सामान्य पूजा होती है। तो हम भक्त तो सामान्य पूजा करते हैं माँ की, जो तंत्र पूजा करते हैं वो मध्य रात्रि या रात्रि में उठकर पूजा करते हैं माँ की। कहते हैं अगर आपका शनि ग्रह भी है, शनि का प्रकोप अगर आप पे है, शनि ग्रह का प्रकोप अगर आप पे है, तो आप माँ के सामने तेल का दीपक जलाएं, तेल का दीपक जलाएं, नींबू भी चढ़ाने का प्रावधान है, आप मैया को नींबू भी अर्पित कर सकती हैं, तो उसे चढ़ाकर आप मैंने बीज मंत्र जो बताया था उसका जाप करें आप, इससे माँ शुभ फल देने वाली है। बिल्कुल, आपने नींबू की बात की, नींबू की अगर हम बात करें तो साउथ में अगर आप जाएंगी तो जितनी भी माताएं हैं साउथ में, उन सबों को नींबू की माला पहनाई जाती है, और साथ में जो नीम के पत्ते होते हैं उनकी भी माला पहनाई जाती है, क्योंकि ज्योत्सना जी बच्चे जो हैं उनकी उनको बुरी नज़र से बचाने के लिए भी माँ को नींबू अर्पण किया जाता है। ऐसे भी आप देखती होंगी कि माँ जो है वो दशहरे में अपने बच्चे को खास सुरक्षित रखना पसंद करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि निगेटिव एनर्जी जितना भी होती है पूरे ब्रह्मांड में फैली है, तो ये मैया ऐसी है कि सारे निगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सदृश करती है। माँ त्रिनेत्र है, इनका तीनों नेत्र जो सदृश गोल है आज ब्रह्मांड में। बिल्कुल, सपने में कही
ये खास दिन होता है माँ की पूजा का, इसे बेहद ही खास माना जाता है। आज माँ को बलि भी समर्पित की जाती है, तो ये दिन बहुत ही खास है। बिल्कुल, बलि की बात की है पूनम जी आपने, बलि की अगर हम बात करें तो माँ कभी नहीं कहती कि किसी जीव की बलि आप नहीं, नहीं, मुझे नहीं। दें। जैसा कि अभी हम जब बात कर रहे थे तो कुमड़े की बलि पड़ती है, तरबूज की बलि, और जिसे हम लोग गन्ना कहते हैं, गन्ना की माँ को फल की बलि चढ़ती है, ना कि जीवों की बलि। करें जीव हत्या करना तो सदैव पाप रहा है, और माँ भी नहीं कहती कि मुझे जीव चाहिए, क्योंकि माँ के कोख से सभी बच्चे जन्म लिए हैं, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, इसलिए माँ को फल का जो है वो बलि चढ़ता है, इससे माँ बहुत ही प्रसन्न। बिल्कुल बिल्कुल, तो माँ प्रसन्न होती है। तो पूनम जी, हमने जो बातचीत की है उसमें भी बहुत कुछ अभी जानना बाकी है माँ काल रात्रि के विषय में, लेकिन यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से विराम के लिए, लौटेंगे तो फिर बात करेंगे माँ काल रात्रि के विषय में। स्वागत है आपका फिर से। तो हम बात कर रहे हैं माँ काल रात्रि की। पूनम जी, हमने बात की नींबू की, हमने बात की है नींबू का प्रयोग कई बार तंत्र विद्या में भी देखा गया है। कई ऐसे प्रयोग किए जाते हैं नींबू को लेकर के। तो अगर आप नींबू माँ को चढ़ाते हैं तो जो आपकी जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं, ये कहा है पूनम जी ने। और साउथ में लोग लगातार माँ को चढ़ाते हैं ये तो। पूनम जी, जैसे कि कालरात्रि की हम लोग बात कर रहे हैं, माँ के स्वरूप की हमने बात की कि भले ही माँ भयंकर दिखती हैं, उनका जो स्वरूप है उसको देख कर लगता है, भय लगता है, लेकिन दरअसल जो भक्त हैं उनको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वो नहीं है। वो रूप उनके लिए है जो बुरी शक्तियां हैं उनके लिए है। जी बिल्कुल ज्योत्सना जी, ये एक सोशल मैसेज भी है सभी के लिए, क्योंकि देखिए कि बाकी की जो देवियों के हमने पूजा किया, हमने अर्चना किया बाकी के सारे देवियों का, तो उनका स्वरूप बहुत ही करुणामयी, ममतामयी और बहुत ही कोमल रहा, लेकिन माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो भयंकर है। तो इससे एक सोशल मैसेज भी जाता है पूरे समाज में कि चाहे वो कोई भी हो, या तो दानव हो या राक्षस हो या असुर हो या फिर वो इंसान ही क्यों ना हो, जो भी नारियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसका पतन सुनिश्चित है। ये एक सोशल मैसेज है। रक्त बीज हो या शुंभ निशुंभ जैसे दानवों का भी घमंड माने चूर कर दिया, कुछ भी हो। बिल्कुल, तो आप सभी से मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि आप नारी शक्ति का सम्मान करें, चाहे वो अपने घर की नारी हो, तत्पश्चात ही माँ की पूजा करें आप, क्योंकि माँ महिष मर्दिनी माँ पराम्बा का ये मैसेज है सभी लोगों के लिए कि आप नारियों का सम्मान करें। अगर नारी माँ है, पत्नी है, बहन है, तो वो एक चंडिका भी है। अगर आप उनके स्वाभिमान को खिलवाड़ करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो वो चामुंडा रूप, कालरात्रि रूप जैसा भी रूप धारण कर लेती है और दुष्टों का संहार करती है। इसलिए माँ की आराधना करें, माँ की पूजा करें, और साथ ही साथ अपने समाज में रहने वाली जितनी भी आपके आसपास महिलाएं हैं, औरतें हैं, सबका सम्मान करें, क्योंकि हमने बता दिया कि अगर आप महिलाओं के सम्मान के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आपका पतन सुनिश्चित है, आप अर्थात इंसान हो या दानव हो। तो ये एक माँ का जो ये स्वरूप है वो पूरे समाज के लिए एक मैसेज है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में माँ कालरात्रि का एक ऐसा मंदिर है पूनम जी, जहाँ निसंतान दंपति बच्चे की चाहत में नवरात्र में माँ की पूजा करते हैं। इस मंदिर में लोगों की अटूट आस्था है, और लोगों का ये मानना है कि मंदिर में एक बार यदि किसी भी महिला का गोद भर दिया जाए तो उसके बाद उसके आंगन में किलकारी जरूर गूंजती है। यहाँ पे आने वाले जो भक्त हैं माँ को 3 नारियल चढ़ाकर गोद भरने की याचना करते हैं। इस मंदिर के पुजारी श्रद्धालुओं को गले में बंधन बांधने के लिए मौली का धागा देते हैं। याचक को 5 हफ्तों तक ये धागा अपने गले में बांधना होता है। यदि मुराद पूरी हो गई तो नियमानुसार 5 नारियलों का तोरण यहाँ के पेड़ पर बांधना होता है। अगर आप कभी भी इंदौर स्थित मंदिर का दर्शन करने जाएंगे तो ये मंदिर में लगे हुए पेड़ ऐसे सैकड़ों तोरण द्वार बंधे हुए आपको उस मंदिर के गेट पे मिलेंगे। तो देखिए कितना अद्भुत ये मंदिर है। और नारियल की बात हो रही है, जब भी पूजा की बात होती है ना पूनम जी, तो नारियल की बात तो जरूर ही होती है। नारियल दरअसल बहुत ही एक शुद्ध फल माना जाता है। एक ऐसा फल है नारियल ज्योत्सना जी, जो पूरी देवियों को समर्पित किया जाता है। नारियल इसमें कोई सुनिए आप बाकी के जितने भी देवी देवताएं हैं ब्रह्मांड में, आप उनको नारियल समर्पित कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। और ये तो खैर माँ की पूजा है, अभी आपने कहा कि मतलब माँ की पूजा में किसी विधि का विधान नहीं है, आप स्वतः भी माँ की पूजा यथाशक्ति कर सकते हैं। और जैसा कि अभी आपने कहा ज्योत्सना जी कि अग्रेसिव, तो माँ का जो स्वरूप है, माँ का
का जो क्या बोलते हैं जो रूप है वो भयंकर है, तो ये एक मैसेज है। लेकिन उनके लिए, बाकी सबों के लिए माँ का जो स्वरूप है वो करुणामयी है, ममतामयी है। इनकी पूजा करें, आराधना करें आप, चाहे कुछ हो या ना हो अगर। लेकिन हाँ, एक बात है ज्योत्सना जी, कि आप माँ कालरात्रि की पूजा में सावधानी जरूर बरतें। अगर आपके पास कुछ ना भी हो तो आप सिर्फ हाथ जोड़ के भी पूजा कर सकती हैं माँ को। लेकिन अगर आपसे कुछ भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए, तो एक मंत्र है, आप उसका जाप करें, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरी। आप इस मंत्र का जाप करें, अगर आपसे कुछ भी गलती हो तो माँ उसको जरूर माफ करती है। दरअसल ये पूजा के बाद बोला जाना वाला हाँ, ये मंत्र है, इसको क्षमा प्रार्थना कहते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। तो ये क्षमा प्रार्थना आप कर सकते हैं, अगर आपने जैसे भी पूजा की हो आप क्षमा प्रार्थना कर लें तो माँ आपको जरूर माफ कर देंगी और अपनी कृपा आप पर बरसाएंगी। तो नारियल की हमने बात की है पूनम जी, तो ये मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि नारियल जो है उस पर बहुत सारे प्रयोग आप कर सकते हैं। नवरात्र के समय में अगर अपने सर से वार कर 7 बार नारियल आप किसी भी बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं तो जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। अगर आपके ऊपर कोई नज़र दोष है तो वो दूर हो जाता है। अगर आपके कारोबार में कोई ऐसी विघ्न आ रही है तो वो भी उन सारे विघ्न बाधाओं को दूर कर देता है सिर्फ एकमात्र ये नारियल। तो देखिए, छपरा में हाजीपुर छपरा का जो सड़क मार्ग है, दिघवारा सोनपुर के बीच नया गांव के समीप डुमरी बुजुर्ग गांव है एक, जहां पर 550 वर्ष पुराना माँ कालरात्रि का मंदिर है। मान्यता है कि मुगल शासन में भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए माँ कालरात्रि यहां पर अवतरित हुई थी। माँ कालरात्रि काल को भी अपने वश में रख दुष्टों का संहार कर भक्तों का कल्याण करती हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ देवी भक्तों की बड़ी भीड़ जुटती है। मन्नत पूरी होने पर माँ कालरात्रि की भीमकाय प्रतिमा पर 22 मीटर की चुनरी भक्त चढ़ाते हैं। तो देखिए, ये जो माँ है ना वो बहुत रूप में भी विकराल है और यहाँ जो स्वरूप है माँ का इस मंदिर में वो भी बहुत विकराल है, तभी 22 मीटर लंबी चुनर उन्हें चढ़ाई जाती है। तो माँ कालरात्रि का जो रूप है, जो स्वरूप है, बहुत अद्भुत है। माँ कालरात्रि के विषय में हमने कितनी सारी बातें की है पूनम जी, अब ये जानना चाहूँगी कि माँ को वो कौन सा पुष्प बहुत प्रिय है। माँ को लाल फूल बहुत प्रिय है, मैंने जिसना जी बताया, माँ को गुलाब का फूल अर्पित करें या लाल फूल आपके पास जो भी हो वो, माँ को सभी देवियों को लगभग लाल रंग से बहुत प्रेम है, आप उन्हें लाल रंग का पुष्प चढ़ा सकती हैं। आपके पास जो भी फूल है लाल रंग का आप माँ को अर्पित कर सकती हैं। और भोग में आपने बताया भी और मैंने भी बताया कि गुड़ का प्रयोग करें, माँ के भोग में गुड़ को चढ़ाएं। बाकी और कोई खास विधि का विधान नहीं है, माँ की पूजा बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो माँ की पूजा आप बिल्कुल साधारण तरीके से कर सकते हैं और काल से ये माँ रक्षा करती है। ये शक्ति है माँ कालरात्रि की। देवी के 3 नेत्र हैं, ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं, जैसा कि पूनम जी ने भी आपको बताया। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है, ये गर्धव यानी गधे की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं। दाहिनी की नीचे की तरफ वाला जो हाथ है वो अभय मुद्रा में है, अभय मुद्रा यानी आपको भय से मुक्ति दिलाने वाला। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का काटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो लेकिन ये सदैव शुभ फल देती हैं, इसलिए ये शुभंकर कहलाती हैं। अर्थात इनके भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो पूनम जी, जो आप बता रही थी कि भाई माँ का रूप भले ही भयंकर है लेकिन ये बहुत शुभ फल देता है, तो माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपने कई तरह की बातें बताई, आपने पुष्प के विषय में बताया, आपने कपड़े के विषय में बताया कि कौन से वस्त्र पहन के आप माँ की पूजा करें, आपने ये भी बताया कि किस तरह से माँ को भोग लगाएं, और सबसे बड़ी बात आपने ये कही कि माँ को बस आप श्रद्धा से हाथ जोड़ के नमन कर लेंगे और क्षमा प्रार्थना कर लेंगे तो क्षमा प्रार्थना से भी माँ प्रसन्न हो जाती हैं। माँ की पूजा में और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? माँ की पूजा में सावधानी, हमने बताया कि सावधानी बरतनी चाहिए। आपको यथाशक्ति जितना भी कुछ आता है आप उसी हिसाब से माँ की पूजा करें, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूजा 2 प्रकार की होती है, जो तंत्र साधना करते हैं वो कैसे करते हैं वो उनकी उनका सोच है, पर माँ की जो सामान्य पूजा होती है आप जैसे बाकी की देवियों के करते हैं आप उसी तरह से सामान्य पूजा माँ की भी करें। माँ की पूजा में कोई विशेष कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक तेल का दिए जलाएं माँ के पास में और प्रार्थना करें और बस। बिल्कुल, तो माँ की पूजा कुछ नहीं के वक्त आपको विशेष ध्यान
की जरूरत नहीं है। लेकिन और है ज्योत्सना जी कि अगर माँ की पूजा करते समय माँ का जो विकराल छवि है वो अगर आपको दिखाई देता है, नेत्र बंद करने के बाद अगर आपको दिखाई देता है तो उससे घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माँ का स्वरूप आपको दिखाई देता है, इसका मतलब है कि आपको शुभ फलदायिनी आपको फल देने के लिए आ रही है। उससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल। तो अक्सर दिखाई देता है ज्योत्सना जी, पूजा के समय अक्सर माँ का जो विकराल स्वरूप है वो आपको दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ कालरात्रि की पूजा करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर माँ कालरात्रि की मूर्ति या तस्वीर की आप स्थापना कर रहे हैं वहाँ मूर्ति के नीचे पहले काले रंग का कपड़ा बिछा लें, फिर माँ कालरात्रि की पूजा करें, उन्हें चुनरी जरूर ओढ़ाएं, सुहाग का सामान उन्हें अर्पित करें और उसके बाद माँ कालरात्रि की मूर्ति के आगे दीप जलाकर सच्चे मन से उनकी आराधना करें। तो ये है वो छोटा सा एक उपाय कि आप माँ कालरात्रि को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। हम और बात करेंगे पूनम जी से, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। फिर से स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं माँ कालरात्रि की, जिनकी आज पूजा कर रहे हैं सभी लोग, पूरे देश भर में आज माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ पूनम जी बनी हुई हैं जो आपको बता रही हैं लगातार कि किस तरीके से माँ की पूजा आराधना आप कर सकते हैं और कौन से फूल कौन से फल माँ को अर्पित करके आप माँ की कृपा पा सकते हैं। तो पूनम जी, और कुछ विशेष बात जो आप बताना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को? बस कोई विशेष बातचीत नहीं है, आप नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाएं, बाकी की देवियों की भी आप पूजा करें और माँ की आराधना खासकर सावधानियों के साथ करें, और कोई मैसेज नहीं है, बाकी सभी को मेरा बार बार नवरात्रि का प्रणाम। जी, तो चलिए बार बार प्रणाम कह दिया है और पूनम जी ने, तो पूनम जी आप आई और हमारे दर्शकों को आप इतनी अच्छी जानकारी देती हैं जिससे इन्हें बहुत लाभ होता होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। तो बहुत शुक्रिया आपका यहाँ हमारे साथ आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। माँ कालरात्रि दुष्टों का नाश करके अपने भक्तों को सारी परेशानियों और समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माँ कालरात्रि के गले में नरमुंडों की माला होती है। नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्त को जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और वो सुख शांति से जीवन यापन कर सकता है। जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आप करें माँ कालरात्रि की पूजा। मांग लीजिए अभय का वरदान, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।